इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का नया ठिकाना चाईबासा जेल होगा। अमन साहू को चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का नया ठिकाना अब होगा चाईबासा जेल। पहले अमन साहू गिरिडीह जेल में बंद था और अब भारी सुरक्षा के बीच चाईबासा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का नया ठिकाना चाईबासा जेल। अमन साहू को चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया। अमन को भारी सुरक्षा के बीच चाईबासा ले जाया गया। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का नया ठिकाना होगा चाईबासा जेल। अमन साहू को चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया। अमन को भारी सुरक्षा के बीच चाईबासा ले जाया गया। इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू जिसका ठिकाना गिरिडीह जेल था, अब उस ठिकाने को बदलकर चाईबासा जेल कर दिया गया है। अमन साहू को चाईबासा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, पूरी जानकारी दें। जी देखिए, अमन साहू को पहले गिरिडीह केंद्र कारा में शिफ्ट किया गया था, जहाँ पर लगातार जो है जिस तरीके से परेशानियां आ रही थी गिरिडीह जेल प्रशासन के साथ साथ गिरिडीह जिला प्रशासन भी परेशान था, और जिसके बाद में ये बातें सामने आ रही थी कि सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो सवाल खड़े हो रहे थे। जिस तरीके से हाल के दिनों में जेलर को धमकी दी गई थी, गिरिडीह जेल ने ये आशंका जताई थी कि उन्हें खतरा है अमन साहू से, उसके बाद में ये फैसला लिया गया और आज अमन साहू को भारी सुरक्षा के बीच में जो है वो चाईबासा केंद्र कारा शिफ्ट कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, कहीं से कोई सुरक्षा में चूक ना हो, और भारी सुरक्षा के बीच में अमन साहू को चाईबासा केंद्रीय कारा में शिफ्ट कर दिया गया है। जिसके बाद से आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं गिरिडीह जो केंद्र कारा प्रबंधन है उसने राहत की सांस तो लेनी होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही थी उसे लेकर जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमन साहू को गिरिडीह केंद्रीय कारा से चाईबासा केंद्रीय कारा शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया और आज अंततः अमन साहू को केंद्रीय कारा चाईबासा में शिफ्ट कर दिया गया है। आयुष, बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरह से अमन साहू को गिरिडीह जेल से शिफ्ट किया गया चाईबासा जेल, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से गिरिडीह जेल में बंद रहकर अमन साहू ने अपने गिरोह को चलाया, कई कह सकते योजनाएं बनाई, आपराधिक योजनाएं बनाई गई और कईयों को अंजाम देने की भी कोशिश की गई, अब क्या यह कहना गलत होगा कि पूरी तरह से जितने भी बनने वाली आपराधिक योजनाएं थी उन पर पानी फेरा गया है और जेल शिफ्टिंग को लेकर अब पूरी तरह से अमन साहू को कमजोर कर दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं प्रशासन की जो अपने दृष्टिकोण होती है सुरक्षा के मद्देनजर, कई सारे बिंदु होते हैं और कई सारे पैरामीटर बनाए जाते हैं, उन सारे पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला भी होता है, चाहे वो जेल प्रबंधन का हो या पुलिस प्रशासन का हो, इन सारे बिंदुओं पर गहन चिंतन मंथन के बाद निश्चित तौर से ये निर्णय लिया गया होगा। अब ये आगे की जो भी प्रक्रिया है उसके तहत अमन साहू को केंद्रीय कारा चाईबासा में शिफ्ट किया गया है। जी श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का ठिकाना बदल दिया गया है, अब गिरिडीह जेल से शिफ्ट कर अमन साहू को चाईबासा जेल पहुंचा दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अमन साहू को चाईबासा केंद्रीय कारागार पहुंचा दिया गया है। अमन साहू को चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया। अमन को भारी सुरक्षा के बीच चाईबासा केंद्रीय कारा में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीर देखिए, ये जेल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को गिरिडीह जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और चाईबासा केंद्रीय कारा में रखा गया है। अमन को भारी सुरक्षा के बीच गिरिडीह जेल से चाईबासा शिफ्ट किया गया। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को किया गया शिफ्ट, बदल दिया गया कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का ठिकाना। अमन को भारी सुरक्षा के बीच चाईबासा ले जाया गया।
कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का बदल दिया गया ठिकाना गिरिडीह जेल से। जिन जिन योजनाओं की बनाने की कोशिश कर रहा था अमन साहू, अब सब योजनाओं पर पानी फिरा है। अब ठिकाना अमन साहू का होगा चाईबासा जेल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।